तो क्लास थ्री ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर थ्री पे आ जाइए, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। मिला? यस मैम। हाँ, पेज नंबर नाइन पे है। गुड मॉर्निंग मिहिर। गुड मॉर्निंग। अ सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर यानी कि एक, सिंगुलर यानी पता है ना एक, तो अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो मतलब किसी एक पर्सन यानी कि इंसान, प्लेस यानी कि जगह, एनिमल यानी कि जानवर, थिंग मीन चीजें जो निर्जीव वस्तुएं होती है ना वो। तो अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो एक व्यक्ति, स्थान या जानवर या जगह की बात हो रही है। फिर द लेडी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो द लेडी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस मतलब कि एक लेडी जो है उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। तो द लेडी, लेडी की, लेडी अगर हम कह रहे हैं तो मतलब एक महिला की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है। और वेयरिंग अ यानी कि एक, अ मतलब एक होता है, ब्यूटीफुल ड्रेस तो यानी कि एक महिला ने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो ये सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। दिस पार्क हैज अ लॉट ऑफ स्विंग्स। दिस पार्क यानी कि यह पार्क, दिस यानी कि यह, पार्क यानी कि पार्क। तो दिस पार्क हैज अ लॉट ऑफ स्विंग्स यानी कि एक पार्क की बात हो रही है और इसी पार्क की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन आएगा। फिर द काउ, द काउ इज गेजिंग इन द मिडो। मिडो यानी कि घास का मैदान, मिडो मतलब घास का मैदान। तो द काउ इज गेजिंग इन द मिडो। ये जो गाय है, देखो एक गाय दिख रही है ना इसमें, कि बुक में एक ही गाय दिख रही है ना। तो दिस काउ इज गेजिंग इन द मिडो, यह गाय मिडो में चल रही है। गेजिंग यानी कि चल रही है। फिर माय मदर वियर्स अ स्कार्फ व्हेन इट इज वेरी कोल्ड। अ स्कार्फ यानी कि एक स्कार्फ। मेरी मदर यानी कि मेरी माँ वियर्स पहनती है, वियर्स यानी कि पहनती है अ स्कार्फ, एक स्कार्फ व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंड होती है, जब बहुत सर्दी होती है तो मेरी जो मदर है वो एक स्कार्फ पहनती है। हो गया, समझ में आया सब कुछ? सिंगुलर नाउन क्या है? अगर किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक जानवर या एक जग चीज की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। A plural noun refers to more than one person, place, animals or thing. समझ गए ना? प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन यानी कि दो या दो से अधिक। तो a plural noun refers to more than one person, place, animal or thing. जैसे कि example देखते हैं, those parks have lots of trees. क्या हो गया? Those parks have lots of trees. Park में भी s लग गया, tree में भी s लग गया। तो द
those parks have lots of trees. उस पार्क में ढेर सारे पेड़ हैं. Lots of यानी कि ढेर सारे और trees यानी कि पेड़ हैं. तो एक से मतलब दो से ज्यादा पेड़ की बात हो रही है. समझ में आ रहा ना? तो those parks have lots of trees. उस पार्क में उन पार्क में those यानी कि उन यानी कि कई सारे उन पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं. द डॉग डॉग ना हो करके एस लगा दिया डॉग्स हो गया. द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर्स. बार्क यानी कि भौंकना. तो द डॉग बार्क लाउडली यानी कि बहुत तेज एट द स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर होता तो एक स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर्स है तो कई सारे स्ट्रेंजर. फिर The elves hop away with their new clothes. Elves hop, elves ये होता तो एक elves है तो कई सारे hop away with their new clothes. The word हाँ तो समझ में आ गया ना singular और plural क्या है. अगर एक की बात हो रही है तो singular है और अगर दो से अधिक की बात हो रही है तो वो plural है. जैसे book है तो book सिंगुलर है. बुक है यानी कि एक बुक की बात हो रही है. लेकिन अगर हमने बोला बुक बुक में एस जोड़ दिया तो वो कई सारे हैं तो एक दो या दो से अधिक की बात हो रही है. फिर गर्ल गर्ल यानी कि लड़की यानी कि एक लड़की. लेकिन अगर गर्ल्स बोल दिया तो दो या दो से अधिक लड़कियां. फिर फॉर सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एस 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 सी एच एस एच O and X. We usually add ES to make their plural forms. अब ध्यान से सुनिए. अगर किसी word में किसी noun में last में noun में अगर कोई spelling है उसके last का जो letter है वो किससे आता है? S से आएगा या double F से आएगा या CH आएगा या SH O आएगा या फिर X आएगा. तो अगर इन सभी लेटर्स से कोई नाउन एंड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसमें हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो उसको क्या लिख देंगे? ई एस लिख देंगे. अब जैसे बस है तो बस बस का एंड किससे हो रहा है? एस से हो रहा है ना. बस का एंड एस से हो रहा है तो बस को अगर हम प्लूरल करेंगे तो ई एस कर देंगे. अगर हमें लिख दिया ग्लास ग्लास के एंड में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है ना. तो अगर ग्लास को भी प्लूरल करेंगे तो इसमें ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लासेस. ई एस जोड़ दिया. बस में हमने ई एस जोड़ दिया ई और एस तो बसेस हो जाएगा. ठीक. फिर अगर सी एच आता है अगर किसी नाउन या वर्ड के अंत में सी एच आता है जैसे यहाँ पे S आ रहा है यहाँ S S आ रहा है लेकिन अगर हमने C H लिख दिया अंत में क्या आ रहा है? C H आ रहा है ना. तो अगर इसको प्लूरल बनाना है तो भी हम क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? C H लगा देंगे. अगर कोई भी नाउन या कोई भी नेमिंग वर्ड S से S S से CH से या फिर SH से या फिर O से हाँ O से या फिर X से. अब जैसे O से अगर कुछ है तो टोमेटो. टोमेटो क्या हो गया? टोमेटो किससे एंड हो रहा है? टोमेटो का O से. हाँ तो अगर इसको चेंज करेंगे टोमेटो को अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टमाटो को प्लूरल लिखना है. क्या जोड़ देंगे? हाँ अगर हमको टमाटो को प्लूरल करना है तो हम क्या लिख देंगे? टमाटोज. और अगर कोई जो नाउन है वो X से अंत होता है जिसका किससे? X से. जैसे कि फॉक. तो फॉक को हमें प्लूरल बनाना है तो क्या ऐड कर देंगे?
ES. क्या ऐड करेंगे? ES. तो फॉक्सेस प्लूरल हो गया ना, फॉक्स सिंगुलर है, फॉक्सेस क्या हो गया? प्लूरल हो गया. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. हाँ, तो ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल समझना है. जिस लेटर के अंत में एस 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 सी एच एस एच ओ या फिर एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड कर देंगे. और जैसे कि नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, वी यूजली रिप्लेस एफ फॉर एफ और एफ ई विद बी ई एस. अगर कोई नाउन एफ से या ई एस से अंत हो रहा है तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे उसमें? नाम बी ई एस. हाँ, ई बी. हाँ, बी ई एस. जैसे लोफ हो गया या थीफ हो गया. लोफ को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो एल ओ ए एफ लोफ होता है, हमने उसको प्लूरल बनाना है तो क्या लिख देंगे? एल ओ ए एफ वी ई एस. अगर जैसे लीफ हो गया, लीफ मतलब क्या होता है? लीफ मतलब क्या होता है? पत्ती. वेरी गुड, वेरी गुड अंशुमन, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया. लीफ मतलब पत्ती. अगर हमें लीफ को प्लूरल बनाना है तो क्या लिख देंगे? लीफ. क्या लिखेंगे? लीफ. हाँ, आगे इसके क्या ऐड करेंगे? एफ हटाकर क्या ऐड करेंगे? वी ई एस. क्या कर देंगे? वी ई एस, लीफ. हो गया ना? Yes, तो ऐसे ही अगर एस या एस ई आ जाता है तो उसको बी ई एस से चेंज कर देंगे. फिर अगर आता है प्रोनाउंस एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, वाई वी रिप्लेस वाई विद आई ई एस. अगर कोई भी नाउन का अंत किससे हो रहा है? वाई से, तो हम उसको किससे चेंज कर देंगे? तो अगर हम आई ई एस, हम आई ई एस से चेंज कर देंगे. अब एक एग्जांपल बताइए जो नाउन वाई से एंड हो रहा हो. जैसे क्या हो गया? चेरी. चेरी, चेरी के एंड में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है. तो चेरी को अगर प्लूरल बनाना है, चेरी एक है तो चेरी हो गई, और एक से अधिक चेरी है तो क्या हो जाएगा? चेरीज हो जाएगा. तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? आई. हाँ, आई ई एस. अगर वाई किसी नाउन के लास्ट में वाई है और उसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या लिख देंगे? आई ई एस लिख देंगे. ठीक? यस मैम. यस मैम. फिर अगर For nouns ending with vowel y, we add s or make their plural form. अब देखिए दूसरी अलग बात है. जैसे जैसे अभी बोला था ना कि अगर कॉन्सोनेंट वाई से एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल बनाएंगे तो ई आई ई एस कर देंगे. लेकिन अगर कॉन्सोनेंट वाई है और उसके पहले वोवेल आ जाता है, अगर कॉन्सोनेंट वाई है उसके पहले वोवेल आ गया तो अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? सिर्फ एस लिख देंगे. सिर्फ एस लिख देंगे. अब इसका एग्जाम्पल जैसे B O Y, boy. Boy को अगर हमें plural बनाना है तो क्या लिखेंगे Y के आगे? B O Y क्या? S. क्यों लिखा है? क्योंकि Y के पहले एक vowel आया था. इसके पहले अभी cherry लिखा था ना हमने? इसके पहले cherry लिखा था.
चेरी लिखा था ना, अगर चेरीज को हमने किया था तो आई ई एस कर दिया था प्लूरल के लिए, क्यों किया था, क्योंकि वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट ही था ना, लेकिन अभी वाई के पहले वॉवेल आ गया है तो हमने क्या लिखा है, एस लिख दिया। ये थोड़ी सी समझने वाली और याद करने वाली बात है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे और देखेंगे तो बहुत इजी भी है। अब कोई और एक वर्ड बताओ जिसमें वाई के पहले एक वॉवेल आता हो। मैम बर्थडे। बर्थडे। अब एक है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वॉवेल। वॉवेल है, तो अगर वाई के पहले वॉवेल आया है, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? मैम क्या लिख देंगे? एस। बर्थडे। कुछ और नहीं करना है, सिर्फ एस लगा के उसको प्लूरल कर देना है। समझ में आया? यस यस मैम। तो ऐसे सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है। सबको समझ में आ गया सिंगुलर और प्लूरल क्या है? यस मैम। अगर एक है तो सिंगुलर है, दो या दो से ज्यादा है तो वो प्लूरल कहलाएगा। अब देयर आर सम नाउन्स दैट मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग। कुछ ऐसे भी नाउन है जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पूरा पूरा स्पेलिंग ही चेंज करना पड़ जाता है। ना एस लगेगा, ना आई ई एस लगेगा, ना तो बी ई एस लगेगा, कुछ नहीं, उसको पूरा स्पेलिंग ही चेंज कर देंगे। जैसे चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, गुड। चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। तो ये पूरी स्पेलिंग ही हमने बदल दी, चिल्ड्रन कर दिया। अब मैन। मैन, मैन का प्लूरल क्या होगा? मैन। मैन, एम ई एन। मैन से ए हटाकर पूरी स्पेलिंग चेंज करके एम ई एन हो गया। अब टूथ। टूथ यानी कि हमारे दांत। टूथ का प्लूरल हो जाएगा टीथ। टूथ। समझ लो, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका पूरा पूरा स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है। अब कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वैसे ही लिखते हैं। जैसे जैसे कौन सा हो गया? शीप का शीप ही होगा। समझ रहे हो? अब एयरक्राफ्ट। अगर एयरक्राफ्ट है तो ये भी प्लूरल इसका क्या होगा? एयरक्राफ्ट ही होगा। ठीक, ये सारा आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, हमने भी समझा दिया है, ध्यान से इसको पढ़ के तैयार करना है। ओके, भूलना नहीं है। तो आपका ये 5 चैप्टर यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? नाउन जेंडर। हाँ यस मैम। तो नाउन यानी कि संज्ञा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एन एनिमल, यही सब ना। Yes, ma'am. भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन। नाउन। और उसके बाद अगर जेंडर की बात हो रही है, जेंडर यानी कि लिंग, और जेंडर अगर देखना है तो जैसे कि मेल है या फीमेल है या फिर न्यूट्रल है या फिर पूरे जेंडर की बात होगी। ठीक। यस मैम। हाँ, जेंडर वाला जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, सबको समझ में आया ना? सिंगुलर प्लूरल सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम कल स्कूल खुलेगी। ओके, तो इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट, नहीं बेटा शायद कल वो है ना, जन्माष्टमी। थैंक यू स्टूडेंट। कब? नहीं बेटा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं। यस मैम।
ओके बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम।